हमारे चैनल इस्लाम आपके लिए को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। शबीर भाई क्या कहूं, टोपियां पहनकर धोखा देते हैं। हफ्ते में एक वक्त नमाज पढ़कर ये दिन में एक दो वक्त नमाज पढ़कर धोखे देते हैं। खुद हमारे मुसलमान नौजवान शराब पीकर घरों के अंदर तूफान बरपा कर रहे हैं। बाज तो मस्जिदों के बाज, लफ्ज बाज को सामने रखो, पूरे नहीं बाज कुछ मस्जिदों के जिम्मेदार भी बाटल के आदि हैं। जानता है मोहल्ला बड़ा बाटल मास्टर है, फिर भी वो मस्जिद का जिम्मेदार बनता है, मोहल्ला खामोश बैठा हुआ है। मुझे तो ये फलसफा समझ में नहीं आता। हमारे नौजवान सोल्यूशन में मुबतला है, टैबलेट में मुबतला है, वो खांसी की कोसी की टानी खाती कहते वो अलग पी को मर रहा है। एक मोहल्ले वाले एक मेडिकल को जाकर बोले ऐसे टानी का ना मत बेचो, नौजवान बर्बाद हो रहे हैं। तो वो मेडिकल वाला बोल रहा कहते एक काम करो रोजाना 2000 रुपए दे डालो, मेरा बिजनेस दूसरे टैबलेटा में नहीं हो रहा, ये टानिक में छोड़ा इसको। नशे के कितने रास्ते हैं वो पूरे रास्ते नौजवान को मालूम। पानी भी सोच कर पीता था नौजवान तू एक दौर में, आज दवाइयां खाकर नशे ले रहा है, गोलियां खा रहा है, टैबलेट खा रहा है, इंजेक्शन ले रहा है। हराम है शराब हराम। एक जगह पर लिखा है शराबी को मौत के वक्त कलमा तक नसीब नहीं होता। अल्लाहु अकबर। शराबी को मौत के वक्त कलमा नसीब नहीं होता। और यह बात तो हदीस में वाज़े तौर पर है कि शराबी का चेहरा कब्र में किबले से फिर जाता है। कोई पीने वाले हैं तो मोहब्बत से जाकर उनको उस आदत से छुड़ाओ, शराब से बचो। अब वो ईसाई शराब पीते पीते मौलाना से कहा, हजरत पीर से कहा कि आप नहीं लेंगे ये, क्या कि उस वो अंग्रेजी में बोलते विस्की, मेरे ऊपर डाउट करो ना को, तुमने कैसा मालूम बोल को, हमें पढ़ते हमने मालूम होता रे बा, आप नहीं लेते विस्की। हजरत ने फरमाया नहीं नहीं ला, ये तो गलीज चीज है। यस अलूनका अनिल खब्र कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। एक नुक्ता बोलूं इस वक्त याद आ रहा है तो पेश कर दूं। घर के अंदर किसी बच्चे के बारे में यह बात मशहूर है कि वह बाहर की लड़कियों के साथ मुबतला होता है, जानी है, मजबूर हूं मैं बोलने के लिए, बोलने की इजाजत दे। घर के अंदर घर का बच्चा जिना का आदि है। उलमा ने लिखा है कि अगर वह घर के अंदर रहता है तो कोई खतरा नहीं, इसलिए कि उसकी आदत का ताल्लुक बाहर से है। लेकिन शराबी को घर के अंदर न रखो, नशे में वो अपने मां की इज्जत पर भी हमला कर सकता है। शराबी को अपने घर के अंदर न रखो, नशे में वो अपनी बहन की इज्जत और आबरू पर भी हमला करेगा। शराबी को अपने घर के अंदर ना रखो, लात मारकर घर से बाहर करो और दरवाजे बंद करो, इसलिए कि वो नशे में अपनी बेटी को तक नहीं समझ पाएगा, अपनी बेटी के ऊपर भी हमला करेगा। ये यूरोपीय ममालिक की इज्जतें बर्बाद होने का एक सबब शराब है, वेस्टर्न कल्चर का माहौल खराब होने का एक सबब क्या है, शराब है।